लगातार अब भी हमारी नजर बनी हुई है। नवे दौर की बैठक बेनतीजा रही, 44 दिन 40 से ज्यादा किसान संगठन, अगली तारीख 15 जनवरी, ये कुछ हमें अगले पिछले 5-10 मिनट में हमें लेटेस्ट अपडेट मिले हैं। राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तमाम जथेबंदियां पर पता नहीं केड़ियां जथेबंदियां है, केड़े लोग है जेडे उन्होंने नाल है, एक बहाना लभ रहे हैं, आप पिछा छुड़ा रहे हैं। एक किसान जथेबंदियां तो एक किस्म की इनकारी है उन्होंने, कि इनकार कर दिता गया कि असीं जेडे 26 तरीक नूं जिहड़ा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का की कहना होगा, की अगे सुप्रीम कोर्ट जाना पेगा, की होगा? देखो जी, साडियां किसान जथेबंदियां जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट नेता नाराजगी लगातार जता रहे हैं, 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। और अपडेट ये कि किसान नेता ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस आंदोलन को लंबा बढ़ाने की बात सरकार के जरिए हो रही है, सिर्फ तारीख पर तारीख दे दी जाती है। जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं, विज्ञान भवन के ठीक बाहर से राज वर्मा लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अब कृषि मंत्री के बोलने का इंतजार है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, लेकिन उससे पहले जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, आज हालांकि कल सर्दी में थोड़ी सी कमी थी, कल थोड़ी राहत थी, लेकिन आज सुबह से ही सर्दी बढ़ गई है, महिलाएं पहुंची हैं बड़ी संख्या में, बच्चे पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। किसान नेता भी गुस्से में कह रहे हैं कि सरकार तो सिर्फ तारीख पर तारीख देने का काम कर रही है, ऐसे में कैसे आंदोलन मैनेज करेंगे किसान, कैसे आगे की रणनीति तय होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक टेंट के नीचे मैं आ गया हूं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, काफी तेज वो बारिश हो गई है। ये बताइए, अब 26 जनवरी के तो बिल्कुल करीब की तारीख मिल गई, आज महिलाएं भी पहुंची, बच्चे भी पहुंचे, हमने बात की कि पढ़ाई का सामान लेकर पहुंचे, कैसे मैनेज करेंगे अब लंबा वक्त? लंबा वक्त की तैयारी हम कर ही रहे हैं, लगा हुआ मेरा तैयारी तो है, मगर हम सरकार से उम्मीद लगा रहे थे कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दे, लोगों की परेशानियां खत्म हो जाए किसानों की। आज वो उम्मीद एक और तारीख के साथ खत्म हुई है। अब ये तो सरकार वही होगी, तारीख पे तारीख देते जाएंगे, हम अब उम्मीद ही छोड़ दी है हमने कि ये कुछ कर पाएंगे हमारे लिए। अब 26 कैसे कैसे निर्णय निकलेगा? शुरू करें, आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किया जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सर, क्या 15 तारीख को जब आएंगे तो फिर किसानों ने ये आश्वासन दिया कि कोई नए विकल्प लेकर आएंगे, कैसे जवाब दे रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए, तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे।
जैसे कुछ किसानों का कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर, केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो, लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा वो किसान यूनियन के तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बाबा लखा सिंह को अप्रोच कर रही है, क्या अभी भी लगता है कि ये केवल होगा? देखिए, हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है, आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी। मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया, वो वार्ता के लिए पधारे, उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा, मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आईं उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर से बात करें, यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा, तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है, इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने संबंधित लोगों से बात की हो। जो किसान संगठन आपको समर्थन देते रहे हैं, आपसे मिलते रहे हैं, अगली बैठक में क्या उनको भी बुलाया जाएगा? बहुत सारे संगठन मिले हैं आपसे समर्थन। देखिए, अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है, अभी जो आंदोलनकारी पक्ष है हम उसी से बातचीत कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले कल में सरकार इस दिशा में विचार कर सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। सर, कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है कि अब जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने ये नहीं कहा, स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही, और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही।
मुझे आशा है कि विकल्प लेकर आएंगे और मुझे आशा है कि समाधान की ओर हम सब बढ़ेंगे। हम तो कई सालों के लिए अगले दो साल तक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मीडिया से बात करके कह रहे हैं, क्या उन्होंने ये बात आपके सामने भी कही? देखिए, दरअसल मेरे सामने तो नहीं कही, लेकिन स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। सर, पहले हमने यस और नो वाला गवर्नमेंट रेडी टू सेट अप एन इनफॉर्मल ग्रुप बिटवीन द फार्मर्स यूनियन एंड द गवर्नमेंट, सो दैट सम पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी क्रिएटेड। नहीं, दरअसल अभी इस प्रकार की कई बातें बैठक में होती हैं, लेकिन इस प्रकार की बात कोई अभी अस्तित्व में नहीं है। सर, इसके पहले हम यस और नो का प्ले कार्ड देख चुके हैं और तब से लेकर के आज तक जीतेंगे या मरेंगे तक की अगर बात आ रही है, तो क्या 15 तारीख को ये लग रहा है कि इतना हृदय परिवर्तन होगा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो बात है उसमें कोई विकल्प के ऊपर को राजी हो पाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन किसान नेताओं का कहना है जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो ऐसे में सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आपको लगता है कि आप बना पाएंगे? इसीलिए तो चर्चा चल रही है। चर्चा 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 का ही परिणाम सकारात्मक आएगा। सर, पिछली बार आपने कहा था 50% तक बात हो गई है, क्या उससे थोड़ा प्रतिशत बढ़ा जा रहा है? अब बाकी 50 में ही अटका हुआ है मामला। थैंक यू भैया, थैंक यू। सर, जब तक पीओसी नहीं बोलेंगे तब तक नहीं सॉल्व होगा। पर फिर कमोवेश वही बातें सुनने मिली जो इससे पहले 8 दौर में सुनने मिली थी। 8 दौर के बाद में जब भी कृषि मंत्री आते हैं, उम्मीद उनकी ये रहती है कि अगली मीटिंग में, अगले दौर में हल निकलेगा, लेकिन वो अगला दौर कभी आ नहीं रहा है। तारीख पे तारीख मिल रही है, अब 10वें दौर की तारीख मिल गई है। बहुत सारी और बातें हैं, मुझे लग नहीं रहा है, जिस तरह से हमने कुछ शुरुआती जो साउंड बाइट सुनी 10-15 मिनट में किसान संगठनों की और नरेंद्र सिंह तोमर की, इससे लग नहीं रहा कि कुछ खास डेवलपमेंट हुआ रचना। बिल्कुल, लेकिन कृषि मंत्री ने एक बात इस बार अलग कही है आशीष, जिस पर हमें ध्यान देना होगा। कह रहे हैं कि किसान यूनियन वैकल्पिक प्रस्तावों पर बात उनसे की जाएगी और हमें उम्मीद है कि जब अगले दौर के लिए बातचीत के लिए आएंगे किसान तो वो विकल्प अपने साथ लेकर आएंगे। हल कैसे निकाला जाएगा इस पर हम बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचेंगे, और ऐसी उम्मीद एक बार फिर से जता दी। हालांकि इससे पहले कई बार उम्मीद जताई है कृषि मंत्री ने कि बातचीत के जरिए हल निकल जाएगा। अब 15 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत का इंतजार, 10वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन किसान अपनी रणनीति पर फोकस किए हुए हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि कैसे आखिर सरकार से अपनी मांगे मनवानी है। वैकल्पिक प्रस्ताव आखिर क्या होगा उस पर भी निगाहें होंगी। वैकल्पिक प्रस्ताव नहीं था आज किसान संगठनों की तरफ से, यही वजह बताई जा रही है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, जिस वजह से आगे बातचीत को बढ़ाया नहीं गया। लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास बातचीत चली और सरकार ने, कृषि मंत्री और पीयूष गोयल ने ये प्रस्ताव, वैकल्पिक और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं ये इस बारे में पूछा, और वो ऑप्शन नहीं थे किसान संगठनों के पास। अब वो 10वें दौर में उन सब ऑप्शन के साथ में आएंगे।